Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हफ्तावार सवालात के जवाबात में एक क्वेश्चन हमारे पास है टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए। टाइफाइड बुखार जो है ये तकरीबन दो हफ्ता से 15 दिन तक 16-17 दिन ये बुखार ले जाता है। इसमें बुखार लोट लोट कर जो है वो आता है और दर्जा हरारत जो है वो 102, 103, 104 तक चला जाता है। ग़िज़ा इसमें नरम रखनी चाहिए और सूरह फातिहा 41 मरतबा दम करके पानी पे दम करके पानी पिला दिया जाए तो इससे टाइफाइड जो है वो कंट्रोल होने लगता है, बेहतर होने लगता है और ठीक हो जाता है। एक हमारे पास क्वेश्चन है लो प्रोजेस्ट्रोन के इलाज के लिए। जिनका प्रोजेस्ट्रोन लेवल जो है वो लो है उसके लिए हमने एक दफ़ा पहले भी नुस्खा बतला दिया था, अजवाइन, मेथी दाना, कलवंजी, साबत इस्बगोल और इसके साथ अलसी के बीज, इन्हें हम वज़न मिक्स करें और एक चाय का चम्मच सुबह खाली पेट एक गिलास पानी के साथ ले लिया जाए तो इससे जो है लो प्रोजेस्ट्रोन जो है वो कंट्रोल होने लगता है, वो ठीक हो जाता है। जी एक क्वेश्चन हमारे पास, किसी की याद से जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जी किसी की याद से जान छुड़ाना चाहते हैं, इसमें दो पहलू हैं। अगर तो अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो फिर तो ये है कि हमें हालात से फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियों से जान नहीं छुड़ानी चाहिए। और अगर कोई ऐसे तल्ख हकायक हैं जिससे जान छुड़ाना चाहते हैं, अपने आप को एक सुकून की ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो भी उसका सबसे अच्छा हल ये है कि हम अपने आप को दूसरों की याद से निकाल कर खालिक हकीकी की याद में लगा लें। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि नमाज का अहतमाम करें, कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह के प्यारे नामों से पुकारते रहें। हम अल्लाह के साथ मोहब्बत करने लगेंगे तो हम दूसरों की याद करने वाली और याद आने वाली ऐसी तमाम कैफियतों परेशानियों से बच जाएंगे, महफूज हो जाएंगे जिससे हम जो है किसी न किसी तकलीफ़ का सामना करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, इंसुलिन जो है वो कम करना चाहते हैं तो क्या क्रॉन थेरेपी को का इलाज शुरू करते ही इंसुलिन जो है वो बंद कर दी जाए। जी नहीं, हरगिज़ ऐसा ना कीजिए। आप जैसे ही इलाज शुरू करें अपनी इंसुलिन बराबर मकदार में उसे मॉनिटर करें और जिस तरह से आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो उस शुगर लेवल को मेंटेन करते हुए मॉनिटर करते हुए फिर ज़रूरत के अतबार से अपनी इंसुलिन की मकदार को रफ्ता रफ्ता बतदरीज कम कीजिए। इसमें सबसे बेहतर राय ये है कि आप जो है वो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए अपने डॉक्टर की राय को मुकदम रखें। आप को जो नुस्खा इंसुलिन कम करने के लिए दिया है वो नुस्खा जो है वो नोट कर लें। वो नुस्खा है आधा चाय का चम्मच कलवंजी, एक चाय का चम्मच सौंफ, डेढ़ कप पानी में उबाल लिया जाए और इसे सुबह खाली पेट पी लिया जाए। इसको इस्तेमाल करने के साथ आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन करें और अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता है तो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इंसुलिन को जो है वो आप बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी दूसरा क्वेश्चन था, प्रेगनेंसी में शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में शुगर जो है वो ज़्यादा है तो उसके लिए 3 से 4 महीने के बाद जो है आप शुगर कंट्रोल करने के लिए यही नुस्खा कलवंजी और सौंफ ये उबाल के रोज़ाना सुबह पानी पी सकते हैं। इससे प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल हो जाती है और बेहतर होती है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। जी बच्चों की तरबियत के हवाले से ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इस बात को जानें कि हमने अपने बच्चों के अंदर किन सिफात को पैदा करना है और कौन सी आदतें ऐसी हैं जिनको हम जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए हम जो है अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत का मुजाहरा ना करें बल्कि आसान बात यह है कि ख़ुद उन सिफात के ऊपर अमल पैरा हो जाएं। सच बोलना सिफत है, सच बोलने की सिफत को हम खुद मजबूती से पकड़ लें। इसी तरह से झूठ से बचना ये सिफत है, इस सिफत को हम मजबूती से जो है वो ख़ुद पकड़ लें। हम हार्ड वर्किंग सिफ्त है, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे हार्ड वर्कर हों, हम चाहते हैं कि बच्चे आदाब वाले हों,
बच्चे अदब का ख्याल रखें, बात मानने वाले हों, बात ताबेदार हों और बच्चे जो है वो तहमुल मिजाज हों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन सिफात को हम खुद लेना शुरू करें ताकि अमली तौर पर हम जो है वो बच्चों को जो है ये दिखा सकें। क्यों? उसकी वजह ये है कि इंसान जितना इलम हासिल करता है उसमें मैक्सिमम इलम इंसान अपनी आँखों से देख कर हासिल करता है। बच्चे जितनी चीज़ें सीखते हैं वो फ़लसफ़े को बाद में समझते हैं, सबसे पहले वो अपनी आँखों के ज़रिए रवैयों को, आदतों को, चीज़ों को देखते हैं, पहचान हासिल करते हैं और वही उनके जिस्म के अंदर ये सारे मैसेजेस इकट्ठे होते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरबियत याफ्ता हो जाएं, बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाए और वो बासलाहियत और बाकमाल हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें अच्छे रवैये, अच्छी आदतें दिखाना शुरू करें। इससे इंशाल्लाहुल अज़ीज़ बच्चों की तरबियत अच्छी होगी। जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि बच्चे खाते नहीं हैं और बच्चे तंग बहुत करते हैं, बच्चे कमज़ोर हैं। तो बच्चों के ना खाने की एक वजह ये हो सकती है कि बच्चों का आयरन की कमी हो। जब बच्चों में उमूमन आयरन की कमी होती है तो भूख का फुकदान होता है, भूख नहीं लगती। उसके लिए डॉक्टर से मशवरा करके शरबत फौलाद का इस्तेमाल किया जाए तो उससे बच्चों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसी तरह अगर विटामिन D3 बॉडी में कम हो तो इसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बच्चों के अंदर जो है वो अदम भूख का रुझान होने लगता है और बच्चों की एपेटाइट कम हो जाती है। अगर हम इन्हें मॉनिटर करें और इन वजूहात को देख के इनका अजाला करें तो बच्चों की भूख की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। सूरह फातिहा फजर के बाद 7 मरतबा पढ़ के दम कर दें, सूरह ताहा पढ़ के दम कर दें, तो इससे बच्चों की भूख के इश्यूज जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाउल जज़ा, अहसनुल जज़ा। आइंदा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है वो नए सवालात के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे।